जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठे, बाकी हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं। और यदि खाना खाने के तुरंत बाद आप इसमें पोज में बैठ जाते हैं तो आपका बेली कभी भी नहीं निकलता है। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं और अपनी हथेली और अपनी कोहनी को जमीन पे इस तरह से लगा देते हैं। माथा, नाक, चीन, जो भी जमीन में लग रहा है उसको सटा के होल्ड करना है, 50 तक काउंटिंग करना है और रुकना है। जिनको माथा दर्द बहुत होता है उनके लिए भी ये रामबाण एक्सरसाइज है। सांस छोड़ते हुए ऊपर जाना है, स्टार्टिंग में ये 5 से 10 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। दूसरा, इसमें अपनी हथेली को हम फिर से जमीन पर लगा देते हैं। इस तरह से सांस भरते हुए हम अपनी पीठ को नीचे की तरफ जमीन की तरफ झुकाते हैं और सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को हम आसमान की तरफ उठाते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में आपको 5 से 10 बार करना है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। कमर दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बस जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो बैठने के टाइम में नहीं इस तरह से बैठ सकते तो अपने घुटने के नीचे कोई तकिया जरूर लगा लें। इसी में दूसरा होता है फिर से कि अपनी हथेली को हम फिर से जमीन पर लगा देते हैं और सांस भरते हुए अपने घुटने को हम नाक में लगाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक आपका घुटना आ सके अंदर की तरफ उतना ही लेके आना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए पैर को बाहर की तरफ करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये भी 10 बार करेंगे, 5 बार इस तरफ से, 5 बार उस तरफ से। तो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।